पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में बच्चा चोरी को लेकर सोशल मीडिया तथा गांवों में अफवाह फैलाई जाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए गांव-गांव में क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग कराते हुए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वो इस अफवाहों से बच सकें। जनपद संभल में भी दो ऐसे मामले जिनमें अफवाह फैलाई गई सामने आए, उनकी जांच कराई गई तो वो पूर्णतः झूठे पाए गए। कोई भी बच्चा चोरी की घटना अभी तक जनपद संभल में नहीं हुई है। ऐसे दो मामलों में जिनमें से पहला मामला थाना कैला देवी के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर और ग्राम मूसापुर का है। यहां पर बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर एक अज्ञात व्यक्ति को रोककर उसको घेरने की कोशिश की गई। इसमें 247/22 अभियोग पंजीकृत करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद कौशल, मोहम्मद अरमान, शकरुद्दीन, मोहम्मद असलम तथा वसीम है। इन लोगों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य कड़ी वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। इसी प्रकार से थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत ग्राम फूलसिंगा में भी बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाई गई। यहां पर भी एक सत्येंद्र व अनस इन लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। उचित धाराओं में इन लोगों को भी गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बच्चा चोरी के बारे में यदि कोई भ्रामक और निराधार खबर फैलाता है तो उसके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा व उसे जेल भी भेजा जाएगा। इसमें यदि किसी व्यक्ति को कहीं कोई संदेह लगता है तो उसमें 112 नंबर पर अथवा थाना पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो करेगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को जो वहां का जानकार नहीं है उसको घेरने की कोशिश अथवा उसके साथ मारपीट की कोशिश, इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी लोगों को सचेत किया जाता है और जागरूक करने का कार्य संभल पुलिस के द्वारा लगातार सोशल मीडिया व गांवों में मीटिंग के द्वारा किया जा रहा है। अतः इस तरह की किसी भी अफवाह में ना पड़े। धन्यवाद।